हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेम टाइप कर लेना है, ओके, और उसके बाद क्विज स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज़ ऑफ स्वान नेक फ्लास्क दैट लुईस पाश्चर डिज़ाइन टू डिसप्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज ट्रू। यानी कि जो पर्पज़ था स्वान नेक फ्लास्क का, लुईस पाश्चर ने जो डिज़ाइन किया था डिसप्रूव करने के लिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को, वो क्या पर्पज़ था। फर्स्ट है प्रिवेंट एयर फ्रॉम एंटरिंग द फ्लास्क, यानी कि एयर को बचाने के लिए फ्लास्क के अंदर। दूसरा है इम्प्लीकेट द रोल ऑफ फ्लाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ मैगोट्स ऑन रोटिंग मीट, यानी कि इम्प्लीकेट करना कि फ्लाई का क्या रोल है मैगोट्स को डेवलप करने में, या अलाउ करना मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब इन द ब्रोथ, या नेक लास्ट ऑप्शन है ट्रैप द माइक्रोब एंड प्रिवेंट दैम फ्रॉम रीचिंग द ब्रोथ, यानी कि माइक्रोब्स को ट्रैप करना और प्रिवेंट करना कि जो ब्रोथ है, ठीक है, उसके अंदर तक जो है माइक्रोब्स ना जा सके। तो इसका जो मेन पर्पज़ था वो क्या पर्पज़ था कि माइक्रोब्स को ट्रैप करके रखना और ब्रोथ के अंदर तक माइक्रोब्स को ना जाने देना, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड इसका जो आंसर है वो क्या है कि ट्रैप द माइक्रोब्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द ब्रोथ, ओके। और इसका अगर हम सेकंड रोल देखें वो क्या रोल था कि इसके द्वारा ही उन्होंने क्या प्रिवेंट किया, उन्होंने प्रिवेंट किया कि जो एयर है, जो कंटेमिनेटेड एयर है, वो किस में नहीं जा रही थी, फ्लास्क में नहीं जा रही थी। जब उन्होंने फ्लास्क को ब्रोक कर दिया उसके बाद जो एयर के थ्रू माइक्रोब्स क्या होने लगे, एंटर करने लगे, ठीक है। तो मेन पर्पज़ इनका क्या था, मेन पर्पज़ अगर आपसे पूछा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा कि ट्रैप द माइक्रोब्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द ब्रोथ, ओके। नेक्स्ट है हु डिसप्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को किसने डिसप्रूव किया। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसप्रूव किया था लुईस पाश्चर ने, ठीक है। नेक्स्ट है विच साइंटिस्ट फर्स्ट डिसप्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन बाय शोइंग दैट मैगोट्स ओनली डेवलप्ड, एक सेकेंड, विच साइंटिस्ट फर्स्ट डिसप्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन बाय शोइंग दैट मैगोट्स ओनली डेवलप या अपीयर ऑन डिकेइंग मीट दैट हैज़ बीन एक्सपोज टू फ्लाइज। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो जो फर्स्ट डिसप्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को वो किया था फ्रांसिस्को रेडी ने, ठीक है, मीट वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट है हु डिसप्रूव डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का जो डॉक्ट्राइन है वो किसने डिसप्रूव किया है, वो डिसप्रूव किया है लेजारो स्प्लांजी ने, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, फादर कौन बोला गया है मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के, तो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो है लुईस पाश्चर। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर कौन से हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो फादर हैं वो है जोसेफ लिस्टर, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेमोन्स्ट्रेट दैट एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस, किसने बताया कि जो एंथ्रेक्स है वो किससे होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है। तो उसका जो सही आंसर है वो है रॉबर्ट कोच, ठीक है, किसने बताया था, रॉबर्ट कोच ने बताया था। नेक्स्ट है हु डेवलप ए सिस्टम ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, किसने डेवलप किया है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सिस्टम। तो जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है वो यूज़ की थी जोसेफ लिस्टर ने, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चराइजेशन टर्म वॉज गिवन बाय, जो पाश्चराइजेशन टर्म थी वो किसने दी थी। तो पाश्चराइजेशन जो टर्म है वो किसने दी थी, लुईस पाश्चर ने, किसने दी थी, लुईस पाश्चर ने। लास्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज एंटनी वैन लीवेनहुक, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हैं बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी देखने के लिए मिलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टूडे, आई होप आज का सेशन जो है वो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।